रिंगाल हमारे उत्तराखंड का प्राचीन व्यवसाय रहा है। जंगलों में उगने वाली रिंगाल से कई तरह की घरेलू और कृषि की वस्तुएं, काम में आने वाली दैनिक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये रिंगाल से बनी वस्तुएं प्लास्टिक के बने सामान से ज़्यादा मजबूत और फायदेमंद होती हैं। आज आपको इस पारंपरिक कला के बारे में बताती हूँ। रिंगाल पाई जाती है ऊंचे हिमालयी जंगलों में, समुद्र तल से 8000 फीट से ऊपर के इलाके में। इन जंगलों से रिंगाल को छड़ियों के रूप में काट कर लाया जाता है और उसे छील कर बनाया जाता है। आप कब से इस रिंगाल का व्यवसाय कर रहे हैं? बहुत साल से करते हैं हम। आप क्या क्या बनाते हैं? फूलदान बनाते हैं, फूल की टोकरी बनाते हैं, छोटी आठ टोकरियाँ, बड़ी आठ टोकरियाँ, कंडे, चटाई, सब चीज बनाते हैं। ये है खूबसूरत रिंगाल की टोकरी, जिसे कि वनों से लाए गए रिंगाल के द्वारा बनाया जाता है। इसमें रखी हुई सब्जियां व फल बहुत सुरक्षित रहते हैं। खेती किसानी के लिए अलग अलग तरह के बर्तन, घरों में अनाज सुखाने, सब्जी रखने, बीज बोने के लिए घर में काम आने वाले सभी बर्तनों को मिट्टी गोबर से लीपा पोता जाता है। हाल के दिनों में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से हमारे यहाँ भी चारों तरफ पॉलीथीन दिखाई देने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्लास्टिक के बने बर्तनों के स्थान पर स्थानीय जंगलों में आने वाले उगने वाले रिंगाल की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आप रिंगाल का यूज क्यों करते हैं? ये किससे लोगों को रोजगार मिल जाता है और जो प्लास्टिक के वो है उसे सस्ता पड़ता है और मजबूत है उसे। कितनी के लगभग बिकती है आपकी बनाई हुई चीजें रिंगाल की? तो काफी जाते हैं, बनती नहीं है तो कहाँ से। सरकार कुछ मदद करती है आपको? सरकार कुछ मदद नहीं करती इसमें, भाई यही है थोड़ा सा ये छूट कर रखी है कि प्रतिबंधी नहीं लगा रखी है, यही है बस। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में लोग रिंगाल से बनी वस्तुओं का उपयोग करें, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए रख पाएंगे और साथ ही रिंगाल बनाने वाले कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैन उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटिया। रिंगाल पाई